देख रहे जनमत आवाज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ली जनसभा। बुरहानपुर जिले में आज कमलनाथ की चुनावी सभा में भाजपा पर जमकर भड़के। कमलनाथ भाजपा और अंगात्मक लहजे में कहा कि देश में अगर कुछ भी समस्या होती है तो भाजपा उसका जिम्मेदार। सभा में जन सैलाब स्टेज की ओर उमड़ा। बुरहानपुर पहुंचे कांग्रेस के कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज पर जमकर निशाना साधा। निकाय चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने बुरहानपुर पहुंचे। अपने भाषण के दौरान कमलनाथ ने कहा कि शिवराज पर हमला करते हुए कहा कि मैं भाजपा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि कौन से कानून के तहत घरों को तोड़ा, वो कहते हैं अवैध निर्माण किया गया है, और अगर अवैध निर्माण की बात तो मध्य प्रदेश में 80% घर अवैध है, क्या उनके भी शिवराज तोड़ेंगे? आपका कानून है जो कहता है कि 1 महीने का नोटिस मिलना चाहिए, अगर अवैध निर्माण है तो वही और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी पक्ष में वोट मांगे। आइए देखते हैं। आज ये भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में, आप सब समझदार, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, पंचायत से लेके नगर पालिका, नगर निगम और मंत्रालय तक भ्रष्टाचार। और आज अगर नाली आपकी नहीं है, स्विच टूट जाती है, स्विच भर जाती है, ये ठेकेदार ने तो गलत काम किया, सही काम नहीं किया, पर ठेकेदार को कितने पैसे देने पड़े, बड़े सोच समझ के इनको अपना प्रत्याशी बनाया। सब यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, नौजवानों, भाई और बहनों, बहुत खुशी एक तरफ होती है बुरहानपुर आकर। वो बुरहानपुर जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है, बुरहानपुर है जो उत्तर और दक्षिण को अपने देश का जोड़ता है, सही बात है ना? सही बोलिए। पर दुख होता है, 15 साल